के बेटे हम लोग जो है कोऑर्डिनेट जो मैं स्टार्ट किया था उसका इंट्रोडक्शन हमने किया था। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। एक्चुअली हमने एक्सरसाइज 4.1 नहीं किया, एक्चुअली उसमें एक्टिविटी है, कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन आपका है कहाँ से? एक्सरसाइज 4.2 से, सेकेंड एक्सरसाइज से। ओके बेटे, आते हैं। ऐसे मैं उसका PDF सेंड कर दूंगा, ऐसे उसमें है नहीं, कोई एक्टिविटी है सर, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मेन रूप से 4.2 और 4.3 दो, यहाँ पे दो एक्सरसाइज है इस चैप्टर में जो आपको करनी है, 4.2 और 4.3। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा हुआ है राइट द आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब द फर्स्ट पार्ट क्या है? कहते व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कहते कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट का अगर पोजिशन के बारे में आपको जाननी होती है तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन, तो उसका नाम क्या है? तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। आंसर क्या लिखेंगे? देखो आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ओके, आंसर देंगे फर्स्ट पार्ट थोड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ओके बेटे, एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके बेटे, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकेंड। सेकेंड क्या कर रहा है? तो यहाँ ये क्या आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये जो दिया हुआ है ना आपको, यहाँ दिया हुआ है क्या एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, ऐसे कुछ था ही नहीं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। कहता इस ये दो लाइन जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पूरे प्लेन को है कितना भाग में डिवाइड करता है, कहते ईच पार्ट का नाम क्या है? तो आप जानते हो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करता है, ये नहीं होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, यही कह रहा है कि ये दोनों लाइन जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन को यानी चार पार्ट में डिवाइड करता है, ईच पार्ट का नाम क्या है? यही कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। इस दो लाइन से चार पार्ट बनता है, ईच पार्ट का नाम क्या है? तो एक पार्ट का फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम है, इसका सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। नेमली नाम इसका फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। लिख दो क्या लिखेंगे? एक मिनट, इच पार्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते उसे? क्वाड्रेंट। क्या बोलते उसे? क्वाड्रेंट बोलते हैं। और नेमली उसका नाम क्या है? ठीक है, जैसे दिखाना चाहो दिखा सकते हो, जैसे नहीं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ओके बेटे, ये ओरिजिन है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो इच नेमली सभी को तो क्वाड्रेंट बोलते हैं लेकिन नाम इसका सब अलग अलग है, तो नेमली लिख देंगे नीचे। नेमली यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बेटे, अगर नाम इस पार्ट का नाम क्या है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, यही आंसर होगा। इस पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, नेमली चारों का क्या क्या नाम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस इंटरसेक्ट, कहते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का नाम क्या है। अब देखो, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्स वाई एक्सिस, इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का क्या नाम है, ओरिजिन है। ठीक है, जिस पॉइंट पे दो लाइन, दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का क्या नाम है, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो लिख दो नीचे, ये क्या आपका ओरिजिन है। ओके, ये क्या आपका ओरिजिन है, इसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ लिख दो, द पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, थर्ड लिख दो। देखिए, पॉइंट वेयर वेयर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंड वर्टिकल लाइन, पॉइंट यानी हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट वेयर द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन। ओके, उसे ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन। ओके, यानी यहाँ पे जो क्या है, ये आपके ओरिजिन है। देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे है ना, यानी ये पॉइंट है यहाँ पे, ये वाली पॉइंट, ये क्या है आपका ओरिजिन है, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का क्या नाम है, ओरिजिन। ओके, थर्ड पार्ट हो गया। ओके, कुछ था नहीं इसमें, फर्स्ट में क्या था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। फिर कह रहा है कि एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पूरे प्लेन को जो डिवाइड करता है चार पार्ट में, चारों पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम क्या है। ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, नेमली फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, नाम लिख दिया। थर्ड में कह रहा है यानी कि दोनों लाइंस यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का क्या नाम है, ओरिजिन है। ओके, कुछ नहीं, ईजी था इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम में कर रहा है पॉइंट बी सी, देखो क्या क्या है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बताओ, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी आंसर देना है सर। कहता द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट दिस, कहता बताओ उस पॉइंट का नाम बताओ जिसका कोऑर्डिनेट ए है। ठीक है, उस पॉइंट का नाम बताओ जिसका कोऑर्डिनेट ए है। कहता पॉइंट डी का एब्सिसा क्या है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। आप कह रहा पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट बताओ और पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। अब डायग्राम यहाँ दिया हुआ, देखो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। ओके ओके ओके, अब देखो, अब पहले क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट देखो क्या क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कहता है बी का कोऑर्डिनेट बताना, बी का, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखो बी है कहाँ, देखो डायग्राम में बी यहाँ पे है, बी यही है, कहता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो कि हमने बी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे मीट कर रहा है, जहाँ माइनस फाइव है, तो एक्स एक्सिस पर माइनस फाइव पे मीट कर रहा है, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस फाइव हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो हमने बी से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ मीट कर रहा है, टू पे मीट कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट टू हो गया। तो आंसर क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, माइनस फाइव कोमा टू, आंसर दे दो, क्या आंसर होगा, क्या हो गया बेटा आंसर, आंसर हो गया माइनस फाइव कोमा टू, ये आंसर हो गया। कहता पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी देखो कहाँ है, सी है कहाँ पे, देखो ओके सी यहाँ पे, देखो सी यहाँ है। अब सी का कोऑर्डिनेट देखो, सी से हम एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ पे, किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, फाइव पे, तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट फाइव हो गया। फिर देखो पॉइंट सी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है, माइनस फाइव पे, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस फाइव, ओके। तो सी का कोऑर्डिनेट हो गया फाइव कॉमा माइनस फाइव। अब कर रहा है इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करो, माइनस थ्री, यानी जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस थ्री है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस फाइव है, कहते वो कौन सा पॉइंट है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस थ्री, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर देखेंगे माइनस थ्री कहाँ पे है, और वाई कोऑर्डिनेट माइनस फाइव है, तो वाई कोऑर्डिनेट पर देखेंगे माइनस फाइव कहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस पर माइनस थ्री देखना है। देखो एक्स एक्सिस पर माइनस थ्री कहाँ पे है, देखो जी माइनस थ्री यहाँ पे है, यही माइनस थ्री, और वाई एक्सिस पर कितना देखना है, वाई एक्सिस, ओके बेटे मैं ही कह रहा था कि क्वेश्चन में थर्ड कर रहे थे, थर्ड पार्ट कि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस थ्री है, तो एक्स एक्सिस देखेंगे माइनस थ्री कहाँ है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस फाइव है, हम देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर माइनस फाइव कहाँ पे है, देखो माइनस थ्री यहाँ पे, माइनस थ्री कहाँ, यहाँ पे, यही माइनस थ्री एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर कितना, माइनस फाइव, तो माइनस फाइव देखो कहाँ है, माइनस फाइव यहाँ पे, यहाँ पे माइनस फाइव, ओके। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, यानी पॉइंट एम से, पॉइंट एम से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो वाई एक्सिस पर पैरेलल हो, यानी वाई एक्सिस ये है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर दिया। फिर अब फिर क्या करेंगे, जो माइनस फाइव है वाई एक्सिस पे, वहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ कर रहे, ड्रॉ कर दिया। अब दोनों लाइन जहाँ मीट करेगा वो पॉइंट कौन सा पॉइंट आ गया, ई आ गया, क्या आ गया, ई, इसका मतलब ई का कोऑर्डिनेट, यानी जो माइनस थ्री माइनस फाइव किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ई का है, आंसर क्या होगा, ई, जिससे कि ई का कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस थ्री माइनस फाइव, ओके बेटे, एक याद बेटर है कि सभी का कोऑर्डिनेट लिख दो एक बार, ठीक है, एक जितना पॉइंट है ना डायग्राम में दिया सबका पॉइंट लिख लो, अब उसके बाद आंसर देंगे, ऐसा भी कर लो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो बेटे देखो सबका निकालो फटाफट, लिखो तो बेटा, अब देखो यहाँ पे आते, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट डी से, इसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ डी का, डी देखो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, सिक्स आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, वाई कोऑर्डिनेट टू आएगा, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना यहाँ से, तो सिक्स पे मीट कर रहा है, और ये किस पर मीट कर रहा है, टू पे मीट कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हो गया सिक्स कोमा टू, ओके बेटे। हमने क्या पॉइंट डी कोऑर्डिनेट आ गया, सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, अब आते हैं पॉइंट एल के निकालते हैं, पॉइंट एल का, अब एल कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस कहाँ पे है, वाई एक्सिस एल वहाँ पे जहाँ पॉइंट फाइव है, यानी कि वाई एक्सिस पर पॉइंट फाइव पे, और जानते हैं वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो एल का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट फाइव होगा, चूँकि वाई एक्सिस पर फाइव है, ठीक है, एल कहाँ है, जहाँ फाइव है, तो वाई एक्सिस पर चूँकि ये लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट फाइव हो जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो,
जो वाई एक्सेस के एवरी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो होता है। ओके नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आते हैं बी के निकालते हैं, बी का ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है माइनस फाइव, वाई कोऑर्डिनेट कितना है थ्री है। हो गया, आइए नेक्स्ट एम, एम का निकालते हैं, एम कहाँ पे, एम एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ पे है, जहाँ माइनस थ्री है, एक्स एक्सिस पे माइनस थ्री, यहाँ देने वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया माइनस थ्री और वाई कोऑर्डिनेट जीरो आएगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा जीरो आएगा। हो गया बेटे, एक मिनट, ठीक से लिख लो, एक मिनट दोबारा लिख लो थोड़ा सा, ये हो गया बेटे। देखो मैंने क्या क्या लिखा था, इसका कोऑर्डिनेट लिखा था डी का सिक्स कोमा टू, एल का लिखा था जीरो कोमा फाइव, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट फाइव होगा, फाइव पे है एल, और बी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, एक्स माइनस फाइव है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना है ये टू है। ओके फिर आओ एम पे, एम तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स जहाँ एक्स एक्स पे माइनस थ्री वही एम है, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया माइनस थ्री, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, जो एक्स एक्सिस के एवरी पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। फिर आइए एच पे, एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो यहाँ माइनस फाइव है और ये माइनस थ्री पे है। ओके तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस फाइव होगा, वाई कोऑर्डिनेट माइनस माइनस थ्री होगा। अब ई का आते हैं, ई ई ई देखो ई की कॉरस्पॉन्डिंग जो कहाँ पे है माइनस थ्री पे है ना, और ई से जो हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कहाँ मीट कर रहा है माइनस फाइव पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया माइनस थ्री, वाई कोऑर्डिनेट हो गया माइनस फाइव। ओके नेक्स्ट आते हैं पॉइंट जी, पॉइंट जी कितना है, यहाँ देखो एक्स कहाँ पे मीट कर रहा है, देखो यहाँ से टू पे एक्स कोऑर्डिनेट टू आ गया, फिर और जी यहाँ मीट कर रहा है माइनस फोर पे वाई एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया माइनस फोर हो गया। ओके अच्छा सी का, सी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है फाइव पे, फाइव हो गया, और वाई वाई एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया सी पॉइंट सी से माइनस फाइव पे, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया माइनस फाइव। ओके तो इस तरह सारे पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। ओके अब इसका आंसर दे दो, अब तो आंसर फटाफट दे देंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है, तो फर्स्ट का ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं, तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कितना है, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी किसका कितना है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट माइनस फाइव कोमा टू, देखो बी यहाँ पॉइंट बी कहाँ है माइनस फाइव कोमा टू है, ठीक है। फिर आइए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी कितना है, तो सी का देखो कहाँ कितना आया है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है सी कोमा फाइव है, सी कोमा माइनस फाइव, सॉरी फाइव कोमा माइनस फाइव लिख दिया। फिर आते हैं कहते हैं आइडेंटिफाई करो कि किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस थ्री कोमा माइनस फाइव, देखो माइनस थ्री कोमा माइनस फाइव डायग्राम में देखो किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, देखो तो माइनस थ्री कोमा माइनस फाइव ये था ना, माइनस थ्री कोमा माइनस फाइव, माइनस थ्री कोमा माइनस फाइव कौन सा है, देखो तो ये वाला है, ये किस पॉइंट का है, पॉइंट ई का है, आंसर होगा क्या होगा पॉइंट ई। पॉइंट ई होगा, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या है ए है, ठीक है। फिर आइए कहते हैं किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए है, टू कोमा माइनस फोर, अब देखो टू कोमा माइनस फोर है यहाँ पर डायग्राम में, देखो तो टू कोमा माइनस फोर किसका है, देखो तो किसका है पॉइंट जी का है, तो टू कोमा माइनस फोर किसका कोऑर्डिनेट है पॉइंट जी का, तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे पॉइंट जी, जी हो जाएगा कि पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट ये है टू कोमा माइनस फोर। आप कहते हैं पॉइंट डी का एब्सिसा कितना है, एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, देखो पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट डी डी कहाँ पे है, देखो पॉइंट डी यहाँ पे है। ओके ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट है सिक्स और वाई कोऑर्डिनेट टू है, यानी कि पॉइंट डी का एब्सिसा कितना है सिक्स है, आंसर क्या होगा पॉइंट डी का एब्सिसा कितना है, क्या आंसर होगा सिक्स होगा। फिर कहता है बताओ पॉइंट एच का ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट मतलब क्या है पॉइंट एच का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट एच का, देखो तो
पॉइंट एच कहाँ पे है? पॉइंट एच ये, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस फाइव, यानी एब्सिसा है माइनस फाइव, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है माइनस थ्री। तो वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो पॉइंट एच का ऑर्डिनेट कितना है? माइनस थ्री है। क्या है इसका आंसर? क्या होगा? माइनस थ्री। ओके, अब कहता पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट क्या है? क्या आंसर आया था इसका? माइनस थ्री। कहता पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट बताना, एल एल कहाँ पर? यही एल है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? जीरो कोमा फाइव है। क्या आंसर होगा? जीरो कोमा फाइव। कहता पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट एम, एम कहाँ पर? ये तो पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट कितना? माइनस थ्री कोमा जीरो। क्या आंसर होगा इसका? माइनस थ्री कोमा जीरो, ये आंसर होगा। हो गया, ये बतानी थी आंसर आ गया। डायग्राम्स पहले सभी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो आप फटाफट, उसके बाद कर लो। ओके ओके बेटे, ये आपको ये दो क्वेश्चन था, कितना एक्सरसाइज 4.2 में। ओके, 4.2 मतलब सेकेंड एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज का मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ, एक्टिविटी है उस, क्वेश्चन नहीं है। ओके, क्वेश्चन आपको यही से आएगा 4.2 4.3। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कर लेंगे। ओके बेटे।